आज हम लोग समझेंगे क्लास थर्ड चैप्टर सेकेंड का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमें ये समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव होते हैं, जो कि हम जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लोकोमोशन। और अलग अलग एनिमल्स की कैसे कैसे मूवमेंट होती है, वो किस तरीके से मूव करते हैं, वो हमें इस वीडियो में समझना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अवर लेसन नेम इज़ एनिमल्स फूड एंड मूव। दिस मीन्स एनिमल्स कैसे फूड अपना लेते हैं और वो कैसे किसी और पे डिपेंड करते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सो हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। देन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, हमें इनके बारे में समझना। ओके, नाउ बेटा एक वार्म अप एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर आपको। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे होंगे, इसमें से आपको यहाँ पर 5 एनिमल्स के नेम लिखना है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉयन है, टाइगर है, जिराफ है, बर्ड है, एलिफेंट है। तो ऐसे हमने 5 नेम्स यहाँ से आइडेंटिफाई करके नीचे नोट डाउन करना है। तो ये एक्टिविटी बहुत ईजी थी। नाउ लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 5 डोमेस्टिक एनिमल्स दैट यू हैव सीन बिफोर, ऑल्सो लिस्ट देयर ईटिंग हैबिट्स। यहाँ पर आपको 5 डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब 5 पालतू पशु जो होते हैं उनके नाम लिखना है और क्या खाते हैं वो उसके बारे में लिखना है। ये आपको प्रिपेयर करना है, आप इसको फील करिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ इसमें, जैसे काउ, आप डोमेस्टिक एनिमल में काउ आती है। काउ क्या खाती है? काउ हम लोग ग्रास खाती है, काउ हम जो चपातीस देते हैं वो भी खा लेती है। तो काउ की ईटिंग हैबिट्स आपने यहाँ पर लिख दिए। नाउ ऐसे करके आपको रिमेनिंग 4 एनिमल्स के नाम लिखना है और वो क्या खाते हैं उसके बारे में लिखना। ओके, नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट द कॉमन फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर समझा था कि प्लांट्स और एनिमल्स के क्या क्या कॉमन फीचर्स होते थे। हियर वी आर मेनली गोइंग टू लर्न अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स इन ब्रीफ एंड ऑल्सो देयर डिपेंडेंट्स ऑन प्लांट्स। इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और वो कैसे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। सो हियर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट वन, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। दैट मीन्स एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सेकेंड वन, एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और एयर होल्स। एनिमल्स ब्रीथ करते हैं लंग्स से, गिल्स से और एयर होल्स से। जो उनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं ना, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन, उनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं, वो फील कर सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं, जैसे डॉग के पपीज़ होते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है बेटा, ये अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो ये बर्थ दे के उनको रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर लेइंग एग्स के थ्रू। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एनिमल और प्लांट क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम और अच्छे से समझते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डॉग्स, कैट, फ्रॉग, स्नैक्स, फिश, डायनासोर्स एंड ह्यूमन, अरे ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के। एज एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर। अब जो एनिमल्स हैं वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, फूड और वाटर को ऑब्टेन कर सके। एनिमल ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। एनिमल्स इसलिए भी मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह ताकि उन्हें प्रॉपर उनको रहने के लिए जगह मिल जाए और वो दूसरे एनिमीज उनको हार्म नहीं कर सके, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। देखिए नाउ आई नो में लिखा है, एन ऑस्ट्रिच कैन रन फास्टर देन हॉर्सेस, अ मेल ऑस्ट्रिच कैन इवन रोर लाइक अ लॉयन। जो एक ऑस्ट्रिच होती है वो क्या होती है, बहुत फास्ट रन करती है हॉर्सेस से भी, और जो मेल ऑस्ट्रिच होता है वो लॉयन की तरह ही बहुत तेज दहाड़ सकता है। ये प्रॉपर्टी दे रखी है आपको ऑस्ट्रिच की। नाउ लोकोमोशन, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि लोकोमोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनिमल्स थ्रू विच दे गेट फ्रॉम वन प्लेस टू द
नेक्स्ट एक फीचर होता है एनिमल्स का जिससे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। मोस्ट एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव, अधिकतर एनिमल्स जो होते हैं वो उनके लेग्स के थ्रू ही मूव करते हैं। लाइक ह्यूमन यूज देयर लेग्स टू मूव, एलिफेंट यूज इट्स लेग्स टू मूव, पिकॉक यूज इट्स लेग टू वॉक एंड रन, बटरफ्लाई यूज इट्स विंग्स एंड लेग्स टू मूव। तो ये सारे एनिमल्स थे और ये किस तरीके से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसके बारे में लिखा था। हाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव, अब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स कैसे कैसे मूव करते हैं। हर एनिमल पैरों से तो नहीं चल सकता, सबके अलग अलग कुछ फीचर्स होते होंगे जिसके थ्रू मूव करते होंगे। सो फर्स्ट वन है बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये क्या करते हैं विंग्स और लेग्स के थ्रू मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। ह्यूमंस मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, लैंड पर मूव करते हैं अपने लेग्स की हेल्प से। अदर एनिमल्स हॉर्सेस टाइगर्स लायंस बियर्स मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, ये भी लेग्स के थ्रू करते हैं। फिशेस स्विम करते हैं उनके फिन्स और टेल्स की हेल्प से। और रेप्टाइल्स स्नेक्स लिजार्ड कैमिलियंस क्रॉल अगेंस्ट ग्राउंड और वॉल, रेंगना बोलते हैं ना हम लोग, तो ये क्रॉलिंग करते हैं ग्राउंड और वॉल के अगेंस्ट, तभी ये क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फ्रॉग्स हॉप फास्ट ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय यूजिंग देयर हाइंड लेग्स, फ्रॉग क्या कर सकता है लैंड पर जंप कर सकता है, हमने देखा ना फ्रॉग एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है। एंड इन वाटर बाय यूजिंग देयर हैंड लैंड्स, जो वाटर जब जैसे वो पानी में चले जाता है तो वाटर में कैसे रहता है उसके जो लेग्स होते हैं ना हाइंड लेग्स उसके थ्रू करता है। बर्ड्स सच एज डक एंड स्वैंस कैन मूव इन वाटर बाय यूजिंग देयर वेब्ड फीट, जो बर्ड्स होते हैं जैसे डक और स्वैंस होते हैं ये क्या मूव कर सकते हैं वाटर में, कैसे उनकी जो फीट रहती है, जो फीट रहती है ना वो वेब्ड फीट रहती है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं उस वाटर के अंदर मूव कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने ये देखा कि एनिमल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ये समझा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स के डिस्क्रिप्शन समझा था वो क्या था, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें हमने लोकोमोशन वाला फीचर देखा था क्योंकि लोकोमोशन ही कहलाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव होना। फिर हमने ये चेक किया था कि हर एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करता है, ज़रूरी नहीं है सभी लेग से ही मूव करें। फिर हमने यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझा था कि कौन से एनिमल किसके हेल्प से मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फिशेस का देखा था तो फिशेस स्विम करती हैं उनके फिन्स और टेल को लेके, रेप्टाइल्स देखा था वो क्रॉल करते हैं, बर्ड्स देखा था वो फ्लाई करते हैं, और जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस क्या करता है लैंड पे लेग के थ्रू वॉक करता है। सो आज के जो टॉपिक था उसमें हमने यही समझा कि एनिमल्स कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करता है और क्या ज़रूरत है कि उन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। तो हमने ये चीज़ सबसे पहले समझी थी कि जो उनकी बेसिक नीड होती है वो क्या होती है, फूड और वाटर और शेल्टर, ये तीन चीज़ के लिए वो क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं। ओके थैंक यू बेटा।